हेलो दोस्तों, इस वीडियो में युग्मन अभिक्रिया को देखेंगे। तो युग्मन अभिक्रिया में होने वाला क्या है और युग्मन अभिक्रिया से क्या बनता है, इसको इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं युग्मन अभिक्रिया को। देखिए दोस्तों, युग्मन अभिक्रिया में होता क्या है, युग्मन अभिक्रिया में क्षार लिया जाता है और क्षार की उपस्थिति में जो बेंजीन डाइएजिनम क्लोराइड जो होता है वो फिनाल के साथ अभिक्रिया करके पैरा हाइड्रॉक्सी एजो बेंजीन बनता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब क्षार एनओएच की उपस्थिति में बेंजीन डाइएजिनम क्लोराइड को फिनाल के साथ क्रिया कराई जाती है तब पैरा हाइड्रॉक्सी एजो बेंजीन बनता है। इसी अभिक्रिया को युग्मन अभिक्रिया कहते हैं। आइए इसका केमिकल रिएक्शन को देखते हैं। यह है बेंजीन डाइएजिनम क्लोराइड, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, ठीक है। अब बेंजीन डाइएजिनम क्लोराइड को क्षार के साथ, मतलब क्षार की उपस्थिति रहता है और वह फिनाल के साथ अभिक्रिया करता है और फिनाल का फार्मूला होता है C6H5OH, ठीक है। ये फिनाल का सूत्र है, ठीक है। किसकी उपस्थिति में, क्षार NaOH की उपस्थिति में। तो लैंग्वेज को ध्यान से पढ़िए दोस्तों, आप लोग को जरूर समझ में आ जाएगा। क्षार NaOH की उपस्थिति में जब बेंजीन डाइएजिनम क्लोराइड को फिनाल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तब पैरा हाइड्रॉक्सी एजो बेंजीन बनता है, ठीक है। इसी अभिक्रिया को युग्मन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, पैरा हाइड्रॉक्सी एजो बेंजीन होता क्या है। अब यहाँ पर देखिए, ये फिनाल होता है, इस वाला पोजीशन से हाइड्रोजन निकलता है, ठीक है। अब यही हाइड्रोजन जो होता है क्लोरीन को लेकर चला जाता है, मतलब बाहर क्या होगा, HCl बाहर हो जाता है, ठीक है। और ये जो नाइट्रोजन का बांड होता है इस रिंग वाले बांड के साथ जुड़ जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन निकला है और यहाँ से क्लोरीन निकला है तो इसका भी एक बांड फ्री है, इसका भी एक बांड फ्री है, आपस में कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको लिख के बताते हैं। ये देखिए, ये एन डबल बॉन्ड एन, यही जो नाइट्रोजन जो होता है इस रिंग के साथ बॉन्ड बना लेता है, जुड़ जाता है, ये OH। और ये जो कंपाउंड बना है उसी को बोला जाता है पैरा हाइड्रॉक्सी एजो बेंजीन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर इस वाले बॉन्ड ये जुड़ गया है तो इसको अर्थो मेटा और पैरा बोलेंगे, मतलब पैरा में हाइड्रॉक्सी ग्रुप जुड़ा है, पैरा में हाइड्रॉक्सी ग्रुप जुड़ा है और इसका नाम है पैरा हाइड्रॉक्सी एजो बेंजीन, ठीक है। एजो का अर्थ होता है नाइट्रोजन का दो बार होना, ठीक है। इसी को एजो समूह बोला जाता है, नाइट्रोजन का दो बार जुड़ा होना। तो आइए दोस्तों एक बार और लैंग्वेज को देखते हैं। देखिए, क्षार एनओएच की उपस्थिति में बेंजीन डाइएजिनम क्लोराइड जो होता है फिनाल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, पैरा हाइड्रॉक्सी एजो बेंजीन बनाता है। इसी अभिक्रिया को युग्मन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। हाँ दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।